साफ रखेंगे, स्वच्छता को एक आदत बनाएंगे, इस प्रकार इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे। गुरु महाराज की 65वीं जयंती पर एक स्वच्छता का अभियान इस चिकित्सालय में शुरू होने जा रहा है, इसलिए हम लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत नेक और पुण्य काम है, क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, तो बहुत सी सारी परेशानियों और बीमारियों से बचे रहेंगे। और इस स्वच्छता अभियान का संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा, और मेरी यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी हम इसी तरह से इस नेक और पुण्य कार्य को करते रहें। नव किशोर स्वर्ण श्रेणी, आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर पूरे देश भर में गुरु पूजा दिवस मनाया जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में देश भर के लगभग 765 अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में यहां पर मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और जिसका उद्घाटन यहाँ के CMS डॉक्टर RS मौर्या जी और यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमिताभ पांडे और यहाँ के मुख्य अतिथि यहाँ के मथुरा के नगर निगम के मेयर श्री डॉक्टर मुकेश जी और उनके साथ यहाँ के जिला संयोजक श्री अरविंदर कुमार जी, उसके साथ संत निरंकारी सेवा दल के संचालक मोहन सिंह और शिक्षक अशोक दयालु के नेतृत्व में तमाम टीमें अस्पताल के कोने कोने को चमकाने में लगे हुए हैं, और इस तरीके से निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्म दिवस ये हाथों में थालियां या फूल मालाएं लेकर नहीं, बल्कि हाथों में झाड़ुआ लेकर पूरा स्वच्छता का अभियान यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वास्तविक सफाई करके लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं जो कि निरंकारी बाबा जी ने दी, कि गंदगी अंदर हो या बाहर नुकसान का कारण होती है, इसलिए अंदर की गंदगी के लिए तो ये निरंकारी भक्त सत्संग करते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेकर ईश्वर से जुड़ते हैं, वहीं बाहर की गंदगी के लिए ऐसे ये स्वच्छता अभियान चलाते हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और इस सफाई अभियान के मुख्य अतिथि यहाँ के CMS डॉक्टर RS मौर्या जी है, और साथ में है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमिताभ पांडे जी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो आज ये सफाई अभियान हुआ है उस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर मौर्या जी, आप बताइए कि आज जो ये निरंकारी मिशन के जो भक्त अभियान चला रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये आज सुबह जो है निरंकारी भक्त बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो चिकित्सालय का कोना कोना चमकाने जा रहे हैं। ये बहुत ही नेक कार्य है, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा, जो स्वच्छता का संदेश हमारे समाज में जाएगा, उससे बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से हमारी जनता बची रहेगी। इससे पहले भी ये है ना, यहाँ पर 2-3 बार ऐसा अभियान चलाया जा चुका है, तो इस संदर्भ में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो चिकित्सालय में मरीज आते हैं तो उनको भी क्या इस तरीके की हम प्रेरणा देते रहते हैं समय समय पे? बिल्कुल प्रेरित होंगे, हमारा ये जो अभियान आज सुबह से शुरू होने जा रहा है, इससे यहाँ आने वाले मरीज, आउटडोर में आने वाले मरीज जब इस कार्य को करते हुए देखेंगे तो इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। धन्यवाद सर। ये यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, ये बताइए कि इस अभियान के बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम 65वीं पुण्यतिथि में बाबा हरदेव जी को प्रणाम, और इस पुण्यतिथि पे इतना पुनीत कार्य हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बगैर स्वच्छता के स्वास्थ्य संभव ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। अगर स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छता रखनी होगी, और ये स्वच्छता जो जैसे कि बाबा जी का कहना है कि आंतरिक और बाह्य प्रदूषण दोनों हटाने हमें, तो आंतरिक सफाई के लिए आप लोग हैं, ये बाहरी सफाई जो है हम लोगों को अपने भौतिक साधनों से करनी है, वह बहुत जरूरी है अगर स्वस्थ रहना है। एक बहुत बड़ा संदेश है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता आपस में जुड़े हुए हैं, बगैर स्वच्छता के स्वास्थ्य संभव नहीं है। बहुत अच्छा। हमारे बीच महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, जिन्होंने यहाँ पर आकर निरंकारी भक्तों का उत्साहवर्धन किया और स्वच्छता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। पंत जी है निरंकारी बाबा, यहाँ पर उनके भक्तों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, और कैसे स्थल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ दूर दूर के मरीज और उनके तीमारदार यहाँ आते हैं,
और जो ये सफाई का कार्य किया जाता है निश्चित तौर पर लोग इसको देख रहे हैं। मैं यहाँ घूम घूम के डिस्ट्रिक्ट और कोनों में गया हूँ और बड़ा अच्छा सफाई अभियान इसको कह सकते हैं कि आत्मभाव से यहाँ जो सफाई चल रहा है वो एक सेवा का कार्य है। यहाँ जो दूर दूर के तीमारदार और मरीज आए हुए हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे और ये जो संदेश है ये हमारी भारत सरकार के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ सफाई अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे हमारा बच्चे से लेकर बड़ा तक हर व्यक्ति रोगों से मुक्त रहेगा। मैं इस सेवा अभियान में जो सेवा का कार्य बाबा के अनुयायी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज बाबा का जन्मदिन है उनके लिए भी बहुत कि वो इस तरीके से ये कार्य भारत में कराते रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर जिला संयोजक अरविंदर कुमार जी, आप बताइए। ध्यान है कि हम जिस जिला चिकित्सालय का एक एक कोना चमकाए और आज का दिन अपने बाबा हरदेव सिंह महाराज को समर्पित करें जिनकी आज 65वीं जन्म जयंती है और ये पूर्ण श्रद्धा के साथ, कोई दिखावा नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये स्वच्छता अभियान चला गया वहीं पर ये जिला चिकित्सालय में पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ के जो महापौर हैं डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी तथा यहाँ के CMS हैं मौर्या जी और यहाँ के जो जिला संयोजक है मथुरा के निरंकारी मिशन के अरविंदर कुमार जी उनके नेतृत्व में यह पौधे भी लगाए गए हैं जो कि जिला चिकित्सालय का पार्क है और इस तरीके से यहाँ पर जहाँ स्वच्छता का संदेश दिया गया वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए भी यहाँ पर पौधे लगाए गए। सरिंदर हरदेव जी महाराज तुही निरंकार निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित गुरु पूजा दिवस सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। मथुरा के जिला चिकित्सालय में जहां सबसे पहले सफाई अभियान चलाया गया निरंकारी भक्तों के द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले, वहीं उसके बाद जो है अस्पताल के पार्क में पौधा भी रोपा गया और पौधे रोपण के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संकल्प दोहराया और इन दोनों कार्यक्रमों के बाद जो स्थानीय निरंकारी भक्त हैं उन्होंने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिवस पर अपनी खुशी जो है मरीजों के बीच बांटी और उन्हें फल और बिस्किट तथा निरंकारी मिशन की पुस्तकें देकर उनके जो है स्वास्थ्य के लिए निरंकार परमपिता परमात्मा से कामना की कि वह जल्दी सही हो जाए। इस तरीके से मरीजों के बीच उन्होंने मुस्कान बांटकर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्मदिवस मनाया और इस पुनीत कार्य के लिए मथुरा के जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर RS मौर्या ने यहाँ के स्थानीय निरंकारी भक्तों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इसका श्रेय निरंकारी भक्तों ने अपने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को दिया है। और इस तरीके से निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्मदिवस ये हाथों में थालियां या फूल मालाएं लेकर नहीं बल्कि हाथों में झाड़ुआ लेकर पूरा स्वच्छता का अभियान यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वास्तविक स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो आज भी यहाँ पर मथुरा के जिला चिकित्सालय में ऐसा अभियान चलाया गया है और इसमें सभी निरंकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं किशोर स्वर्ण सरानी आपको दे रहा था सच्ची बात।